तो देखिए बच्चों, आज हम प्रिज्म एक्सपेरिमेंट समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स का, और जिसमें हमारा एम होना है टू डिटरमाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका मतलब बच्चों, यहाँ पे हम मिनिमम डेविएशन के लिए इंसिडेंस एंगल और डेविएशन एंगल के लिए यहाँ पे ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, और उसमें हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट रहनी है ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पेंस, प्रिज्म प्रोटेक्टर और ग्राफ पेपर और पेंसिल, वाइट सीट पेपर और मीटर स्केल। तो ये हमारे पास बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो ये होगी, जो हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट थ्योरी, जिसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे कि हमने थ्योरी में भी पढ़ा था मिनिमम डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस क्रॉनिकल डेल्टा एम, जिसे हम मिनिमम डेविएशन कहेंगे, डिवाइड बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के द्वारा आप यहाँ पे म्यू की वैल्यू, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको प्रिज्म रखना है, जिसका प्रिज्म एंगल होना है 60 डिग्री। और इसके बाद बच्चों, ऑब्जर्वेशन टेबल, जो कि आप जो प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे तो उसमें वाइट साइड में वाइट पेज जो होता है वहाँ पे इसको फिलअप करना होता है, जैसा कि और भी एक्सपेरिमेंटों में आपने किया है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल को हमेशा वाइट पेपर पे ही फिल करें। तो उसमें आपने ये ऑब्जर्वेशंस लेनी है इंसिडेंस एंगल की, तो डेविएशन एंगल कितना होगा वो जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब आपके पास में रिजल्ट आएगा। और उसके बाद कैलकुलेशन जो है, क्योंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है कि इसका मिनिमम डेविएशन कितना होगा, तो ये चीज़ हमें नोटिस करनी होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो फॉर्मूला हम पुट अप करेंगे और फाइंड आउट करेंगे रिजल्ट कितना होना है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो प्रिकॉशंस में यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था मटेरियल रिक्वायरमेंट रहनी है, हमारे पास ड्राइंग पिन है, और ये है हमारे पास स्केल, और ये है हमारे पास डी प्रोटेक्टर, और ये है हमारे पास इक्विलेटरल प्रिज्म। तो देखिए, हम इस प्रिज्म के द्वारा यहाँ पे कुछ आपके ट्रायंगुलर फेसेस बनाएंगे पेपर सीट पर, वाइट पेपर सीट है हमारे पास, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशंस को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे वाइट पेपर पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ये विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो ये पेंसिल है मेरे पास, पेंसिल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। और इसके बाद बच्चों, अब आप यहाँ पे लगभग 4 या 5 ट्रायंगुलर फेसेस बना लीजिए। तो ट्रायंगुलर फेसेस बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्रिज्म को ऐसे रखना है, और फिर इसके बाद बच्चों आपको इस टाइप में आपको मूव कराना है पेंसिल को। और उसके बाद आप ये देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि एक ट्रायंगुलर फेस बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको 5 ट्रायंगुलर फेसेस क्रिएट करने होंगे, तो 5 ट्रायंगुलर फेसेस कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने 5 ट्रायंगल्स बना लिए हैं, और अब इन 5 ट्रायंगल्स के लिए मैं इंसिडेंस रे क्रिएट करूँगा। तो इंसिडेंस रे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें स्केल के थ्रू नॉर्मल ड्रॉ करने होंगे, तो वो आप सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल इसे सेंटर से लेते हुए, सेंटर ये है इसका, यहाँ पे डॉट बना लीजिए। तो ये डॉट जो है आपको ये सभी 5 सरफेसेस पे हों, मतलब जो 5 सरफेसेस का जो बेस है वहाँ पे हो, तो ऐसे ही आप डॉट क्रिएट कर लीजिए। तो ये 5 आपके डॉट बन जाएंगे, और इसके बाद यहाँ भी और इसके बाद अब आपने यहाँ पे ये जो आपका डी या प्रोटेक्टर जो है, इससे आपको बिल्कुल इसके लाइन के अलोंग रखना है, और 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे एक डॉट बना लीजिए। और ये डॉट जब बनाएंगे तो फिर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पे, ये लाइन जो है ठीक इसके परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है इस डॉट से आपको ड्रॉ करनी होगी, तो ये ड्रॉ कर लीजिए आप। तो ऐसी ये लाइन जो है आपकी सीधी परपेंडिकुलर लाइन होगी, और ये लाइन जो है आप सभी जो ट्रायंगल्स हैं उनसे क्रिएट करते जाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपने ये 5 लाइन जो है इनके बेसिस पे क्रिएट कर ली हैं, और ये अब आपका इंसिडेंस
रे का वर्क करेंगे, और जो इसके बाद यहाँ पे आप एंगल फॉर्म्ड करेंगे, तो ये जो आपके पास में फर्स्ट ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को, इसको बेस बनाते हुए इस लाइन को, और यहाँ से एंगल बना लीजिए आप 35 डिग्री का। तो देखिए मैं 35 डिग्री पर यहाँ पे एक डॉट ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ से आप 40 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 40 डिग्री का एंगल जो है आपका ये यहाँ होगा, तो ये 40 डिग्री का एंगल है। तो ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है एक जगह से आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, और एक जगह 35 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये मैंने 35 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसे ज़रा आप इससे ज्वाइन कर दीजिए, और ये जो एंगल है आपका, ये एंगल 40 डिग्री का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये एंगल, तो 40 डिग्री का एंगल जहाँ पे है उसको आप इससे ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए ये है, मैंने 40 डिग्री का एंगल बना लिया है, और इसके बाद ऐसे ही आप 5-5 डिग्री एंगल इंक्रीज़ करते जाइए। तो यहाँ पे आप 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये सभी एंगल आपने बना लिए हैं। पहला एंगल है आपका 35 डिग्री का, और ये है आपका 40 डिग्री का इंसिडेंस एंगल, ये है आपका 45 डिग्री का इंसिडेंस एंगल, और ये है आपका 50 डिग्री का इंसिडेंस एंगल, और इट विल बी 55 डिग्री एंगल। तो ये आपने बच्चों यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड कर लिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद बच्चों, अब आपको इनके जो रिफ्रैक्टेड एंगल और डेविएशन एंगल हैं उनको फॉर्म्ड करना है। तो उनको ज़रा आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रिज्म को रखना होगा, और जैसे ही हम यहाँ पे प्रिज्म को रखेंगे, तो अब यहाँ पे मुझे पिन को अप्लाई करना है। तो पिन यहाँ से ले लीजिए, और पहले हम जो हमारे पास फर्स्ट एंगल था वहाँ से ही हम कुछ पिन को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए एक पिन यहाँ पे लगानी है मुझे, एक पिन यहाँ लगा लीजिए, तो दो पिन आप यहाँ पे लगाएंगे, और फिर इसके बाद बच्चों आप दो पिन और निकालिए, और इनको आपको, मैंने यहाँ पे वो जो दो पिन आपकी लगा दी हैं, और इसके दूसरे सरफेस पे जाके अब मुझे दो पिन बिल्कुल ठीक इसकी सीध में अप्लाई करनी होगी। तो इसको देखना है कि ये कहाँ से आपकी ये इसको एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म्ड करेगी। तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल इसके ऐसी, मतलब वो पोजीशन देखी जहाँ से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाए, और ये स्ट्रेट लाइन जो है आपकी फॉर्म हो चुकी है। दो पिन आपकी जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, येलो वाली हैं, और दो हैं ब्लू पिन। अब ये यहाँ से ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक सीध में आ चुकी हैं, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आ चुकी हैं। तो ये बस हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और यहाँ हमें इनका डेविएशन एंगल हमें मिल पाएगा जब हम ये आपकी दो पिन यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो अब ऐसा ही अब हमें दूसरी जगह पर भी करना है। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे 40 डिग्री का जो आपका एंगल था वहाँ पे प्रिज्म को रख लीजिए, और यहाँ पे आप दो येलो पिन को आप यहाँ पे लगा लीजिए, और ये जो येलो पिन है ये आपको इंसिडेंस एंगल की पोजीशन को इंडिकेट करती हैं, और फिर दो यहाँ पे मैं रेड पिन जो हैं उनको फिक्स करूँगा, और रेड पिन को ऐसी जगह फिक्स करना है जहाँ पे दो पिन आपकी येलो वाली और ये दो रेड वाली जो हैं ये कॉन्सिडेंट हो जाएँ, इसका मतलब एक लाइन में आ जाएँ। तो वो देखते हैं वो, ये हमें कहाँ पर मिलने वाला है वो पोजीशन, तो वो पोजीशन हमें यहाँ से पता चलेगी जिससे कि ये दोनों जो हैं आपकी एक लाइन में आ जाएं। तो देखिए बच्चों, ये जो है ठीक मुझे इसको वहाँ प्लेस करना है जहाँ से ये एक लाइन में आ जाती हैं। तो देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी यहाँ से, तो वही कंडीशन आपको अब ये जो तीन अलग अलग ट्रायंगल्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही कुछ करना है, तो वहाँ भी अब आप ऐसे ही करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने ये आपकी सभी पिन जो हैं ड्राइंग पिन्स उनको फिक्स कर दिया है, और उसके बाद अब ये जो आपके पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन है उनको हम इनको फॉर्म्ड करेंगे। कैसे फॉर्म्ड करेंगे, तो उसे समझने के लिए आपको जैसे कि अभी मैं फर्स्ट, ये जो बच्चों फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, मतलब यहाँ
तो देखिए बच्चों यहाँ से अब तो देखेंगे बच्चों अब यहाँ से मैं एंगल ऑफ डेविएशन को क्रिएट करने के लिए इन पिन को हटाऊंगा और इन पिन को धीरे धीरे हटाना है आपको, और उसके बाद अब आप यहाँ पे पेंसिल और इसको लेंगे स्केल को, और उसके बाद इन दोनों लाइनों को आप ज्वाइन करेंगे। ये लाइन जो है एकदम सीधी ज्वाइन हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप इन लाइनों को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और ये जो आपकी इंसिडेंस रहती है इसको आगे भी इंक्रीज़ कर दीजिए। तो जब आप आगे इंक्रीज़ करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी तो यही आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। इसे आप मेज़र कर लीजिए। तो इसे मेज़र करेंगे तो ये आ रहा है आपका 43 एंगल। तो इसको लिख लीजिए कि ये है आपका 43 एंगल। अब वही आप इन दो पिन को और हटाइए, और इन दो पिन को हटाने के बाद मतलब इन सॉरी चार पिनों को, और उसके बाद ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कीजिए। तो एक लाइन स्ट्रेट लाइन जैसे ही आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और फिर इसके बाद आप इस लाइन को भी आगे इंक्रीज़ कर दीजिए। तो इस लाइन को जैसे ही आप इंक्रीज़ करेंगे तो अब यहाँ पर आप पाएंगे कि इस बार ये होगा आपके पास डेविएशन एंगल, और ये डेविएशन एंगल जो है कितना होना है इसे भी मेज़र कर लीजिए। तो आप ऐसे ही ये पांचों कंडीशन में जो एंगल फॉर्म्ड होंगे उनको आपको मेज़र करना होगा कि कितने कितने ये एंगल होंगे। तो देखिए बच्चों ये 40 डिग्री पर है इसका इंसिडेंस एंगल, और इसका डेविएशन एंगल जो है 41 आ रहा है, तो लगभग एंगल जो है आपका 44 डिग्री आ जाएगा। तो आपने देखा बच्चों कि जब एंगल जब इंसिडेंस एंगल 35 डिग्री था, जब इंसिडेंस एंगल 35 डिग्री था तो इनका जो आपका डेविएशन एंगल है उसकी वैल्यू 43 है। जब ये 40 हो जाता है तो ये 41 हो चुका है डेविएशन एंगल, और ये 45 है तो डेविएशन एंगल की वैल्यू जो है 39 हो चुकी है। ये 50 है तो ये जो है आपका 48 हो जाता है। ये जो बच्चों आपका 39 था इसे ये लगभग 39 से थोड़ा ज़्यादा या कम होगा, तो इसे थोड़ा सा हल्का सा स्मॉल था तो इसे मैं 38 कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि हल्की सी इसकी वैल्यू थोड़ी छोटी ही आ रही थी। तो 38 डिग्री जो इसका एंगल है वो यहाँ पे है इसका डेविएशन एंगल, और ये 50 डिग्री है तो ये 41 है, और ये है आपका 55, इट विल बी 44 एंगल। तो ये बच्चों आपने देखा ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं इनके डेविएशन एंगल्स। और ये बच्चों जो कि अब आपने यहाँ पे एंगल जो यहाँ पे आपने फाइंड आउट किए थे इनको लिख लीजिए। तो फाइंड आउट किए हुए एंगल हैं आपके पास, जब 35 था तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू 43 डिग्री एंगल थी इसकी वैल्यू, और जब ये 40 था तो इसकी वैल्यू जो है आपकी 41 थी, और जब इसकी वैल्यू आपकी 45 है तो ये 38 डिग्री था, और फिर टूट लिख लेंगे। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे, तो बच्चों देखा आपने अभी ये जो हमने एंगल फॉर्म किए ठीक है डेविएशन एंगल, उनको ज़रा नोट डाउन कर लीजिए। डेविएशन एंगल में जब ये 35 का ज़रा हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बच्चों ये आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, तो जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे इस ग्राफ को तो आप यहाँ पे तो लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लेंगे आप एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है आप ये देखेंगे कि जब 35 लीजिए, अब ये तो इस टाइप में बच्चों आपको ग्राफ मिल जाएगा, और जो आपको ग्राफ मिलेगा बच्चों यहाँ पे उसके थ्रू आप मिनिमम डेविएशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप देखेंगे मिनिमम डेविएशन जो है वो है आपका 38, तो ये 38 डिग्री जो है ये मिनिमम डेविएशन है, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना 38 डिग्री जो कि मिनिमम डेविएशन था। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पे साइन ए जो है इसका प्रिज्म एंगल जो कि आपको बता रखा था बच्चों 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 + 38 और डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, और यहाँ पे साइन
ए जो है आपका 60 डिग्री है डिवाइड बाई 2, और अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको लगभग यहाँ पे इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आपको सबसे पहले यहाँ तो आपको मिलेगा साइन 49 डिग्री और यहाँ मिलेगा साइन 30 डिग्री अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपका ग्लास का बना हुआ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.5 डिग्री। तो ये बच्चों आपका रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या आया, मिनिमम डेविएशन आपको मिला कितना 38 डिग्री और उसके बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला कितना 1.5 डिग्री। और जो आप